सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण प्रवचन माला के श्रृंखला के 7वें दिन के स्वाध्याय में आप सभी स्वाध्यायियों का और हमारे आदरणीय स्पीकर प्रोफेसर अनेकांत जैन जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्रवचन माला की श्रृंखला में हमारा आज का विषय है उत्तम तप। इच्छा का निरोध करना तप है, कर्मों का संवर और निर्जरा का उद्यम करना तप है। तो कैसे तप के द्वारा ये कर्मों का क्षय संभव है? क्या है उत्तम तप का स्वरूप? तप के कितने प्रकार हैं? तप की महिमा के बारे में और भी बहुत कुछ जानने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रोफेसर अनेकांत जैन जी को। सर जी नमो जिनानम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनंत धर्मस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता। मङ्गलमुक्तेष्टं अहिंसा संयमो तवो देवामीतं नमस्सन्तु सयामो। 10 लक्षण महापर्व का आज ये 7वां दिन है। पराक्रम से हम लोग प्रत्येक दिन एक एक धर्म के मर्म को, स्वरूप को समझने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। आज के दिन हमको उत्तम तप धर्म के बारे में समझना है। सबसे पहले 4 दिनों में हमने क्रोध मान माया लोभ इन 4 कषायों का अभाव किया। उसके अनंतर हमें सत्य धर्म की उपलब्धि, हम यथार्थ को समझने लगे। आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है उसका हमको आभास, क्योंकि तो हमने 4 कषायों का अभाव किया। जब तक कषायें विद्यमान थी तब तक स्वरूप का दर्शन नहीं हो पा रहा, आत्मस्वरूप का हम दर्शन नहीं कर पा रहे और कर भी नहीं सकते। पूर्ण रूप से आत्मस्वरूप का दर्शन तभी हो सकता है जब कषायों का भाव, जब हम उस स्वरूप को समझ गए, उत्तम सत्य को जब हम समझ गए तो हमने मोक्ष मार्ग हमारा प्रारंभ हुआ और हम लोग उत्तम संयम को समझ, क्योंकि संयम के बिना कोई काम नहीं होता। जिस बिना नहीं जिनराज सीझे तुम भूल्यो जग कीचने, जिसके बिना जिनेन्द्र देव भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए, उसके अभाव में तुम इस जग में रो रहे हो, इस कीचड़ में फंसे हुए हो, तो संयम भी हमको समझना है। संयम में क्या किया हमने? प्राणी संयम किया, प्राणियों के प्रति दया रखी, और इंद्रिय संयम किया, इंद्रियों को कंट्रोल किया। अब उसके बाद अगला नंबर आता है तप का, उत्तम तप। जैसा कि पहले हम शुरू से ही ये बात कहते आए कि उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है, इसलिए उत्तम तप का अर्थ है सम्यक दर्शन पूर्वक अपनी आत्मा में जो प्रतिपन्न किया जाता है, जो आत्मा में रमण किया जाता है, वो उत्तम तप कहलाता है। आचार्य जयसेन ने अपनी टीका में एक परिभाषा लिखी है, हम शास्त्र के माध्यम से उस परिभाषा को समझते हुए इसकी आगे चर्चा करेंगे। वो लिखते हैं, समस्त रागादि पर भावेच्छा त्यागे न स्वस्वरूपे प्रतपनम विजयनम तपः। यानी समस्त राग आदि पर भावों की इच्छा के त्याग द्वारा, ये जो आत्मा के पर भाव है, राग द्वेष आदि जो पर भाव है, ये स्वभाव नहीं आत्मा, तो उन पर भावों की एक इच्छा है हमारे, तो कह रहे उसके त्याग द्वारा स्वस्वरूप में रमण करना, स्वस्वरूप में प्रतपन करना, विजयन करना, इन स्वरूप की उपलब्धि कर लेना, ये तप कहलाता है। ये तप का शास्त्रीय लक्षण तात्पर्य यह है कि समस्त रागादि भावों के त्याग पूर्वक
आत्म स्वरूप में अपने में लीन हो जाना, अपनी आत्मलीनता द्वारा अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर लेना, ये उत्तम तप कहलाता है। और भी परिभाषाएं आपने शास्त्रों में देखी होंगी। एक परिभाषा और आती है, इच्छा निरोधो तप, अपनी इच्छा का निरोध करना तप। इच्छा का निरोध तप कैसे होता है? हम लोग जो सामान्य रूप से तप के बारे में जो सुनते समझते हैं या एक धारणा बना के रखते हैं, वो ऐसी धारणा बना लेते हैं, इसको आप थोड़ा गंभीरता से समझना बिना घबराए। हम ऐसी धारणा बना लेते हैं कि जैसे किसी ने उपवास किया, एक दिन का उपवास किया, 10 दिन का उपवास किया, तो ये तपस्वी है, महातपस्वी है। किसी ने 1 महीने का उपवास किया तो वो परम तपस्वी हो गया। कई लोग 6-6 महीने तक आहार ग्रहण नहीं करते, अन्न ग्रहण नहीं करते, ऐसे भी तपस्वी हैं। तो हम इन परिभाषाओं ने इस दृष्टि से हम तप को समझते हैं, आज तक इसी दृष्टि से तप को मानते आए हैं और जगत में भी इसी दृष्टि से तप की व्याख्या होती है। लेकिन ये जो तप का लक्षण एक ये कहा गया, इच्छा निरोधो तप, माने अपनी इच्छा का निरोध करना तप। एक बहुत छोटी सी कहानी बताता हूँ, लोग किस दृष्टि से तप को समझते हैं। एक मुनिराज थे, उन्होंने 1 महीने का उपवास किया और बहुत अच्छे से उनका उपवास, उनकी आराधना चली, तब चला। फिर उसके बाद 1 महीने बाद वो पालना की उन्होंने और आहारचर्या के लिए गए, और आहारचर्या पर जा करके उन्होंने 2 ग्रास का आहार, सिर्फ 2 ग्रास लिया और फिर अपनी अंजलि छोड़ करके फिर उन्होंने अगले 1 महीने के लिए उपवास का व्रत ले लिया कि मैं 1 महीने और अन्न जल का त्याग करता हूँ, उपवास करता हूँ। तो अज्ञानी जीवों को क्या लगता है कि मुनिराज ने जब 1 महीना और उनको उपवास करना था तो वो 1 दिन का 1 मिनट के लिए जो 2 ग्रास का भोजन लिया वो क्यों लिया, क्या उससे क्या फर्क पड़ेगा? यदि वो ऐसा नहीं करते, यदि एक समय वो 1 मिनट के लिए उन्होंने जो 2 ग्रास का भोजन लिया वो नहीं ग्रहण करते, तो उनका 2 महीने के तप का रिकॉर्ड बन जाता। ये 1 महीना पहले उपवास किया और 1 महीना बाद, तो बीच में ब्रेक कर लिया, आहार ग्रहण कर लिया, इसके कारण से 2 महीने का रिकॉर्ड नहीं। अज्ञानी लोग तो तप को रिकॉर्ड में गिनते हैं, रिकॉर्ड बनाना चाहते, लेकिन वो जो तपस्वी जीव था वो अपनी, वो मुनिराज अपने आत्म कल्याण के लिए तपस्या कर रहे, कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए तपस्या नहीं कर रहे। तो बीच में उन्होंने आहार क्यों लिया? उन्होंने अपनी इच्छा को चेक करने के लिए आहार लिया कि हम उपवास तो कर रहे हैं लेकिन इच्छा का निरोध हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जैसे आपको बहुत भूख लगी है, वो भूख ऐसी है कि आप 8-10 रोटी खा सकते हैं, इतनी तेज भूख लगी, इच्छा है, लेकिन आपने जब भोजन करने आप बैठे, आपने खाली ली, तो आपने क्या किया, 2 रोटी खा करके आपने भोजन का त्याग किया, यानी 2 रोटी ग्रहण की बात छोड़ी। आपने क्या किया, इच्छा का निरोध किया है। इच्छा तो थी, सामर्थ्य भी थी कि हम 10 रोटी खाने, भूख भी नहीं लग रही, लेकिन आपने 2 रोटी खा करके अपनी इच्छा की पूर्ति की और शेष इच्छा का त्याग कर दिया, सिर्फ उधर की पूर्ति की, काम चला ले। तो ये इच्छा का त्याग करना, ये तप क्या है, उस पर कंट्रोल करना, इसीलिए कहा गया इच्छा के निरोध का नाम तप है।
इच्छा बहुत असीमित होती है, इच्छा का संसार बहुत ज्यादा विस्तृत है, लेकिन अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेना, उसका निरोध कर लेना, ये तप की श्रेणी में आता है। और आचार्य जयसेन ने जैसा कहा है कि समस्त रागादि पर भावों का त्याग करके और उनकी इच्छाओं का त्याग करके जो निज स्वरूप को जानता है उसके उत्कृष्ट तप होता है। और भी बहुत सारी बातें हैं। अष्ट पावड़ में आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, सम्मत विरहियाणम सुठु भी उद्गम तवम चरंताणम रणलहन की बोहिलाम अभिवास सहस्य कोड़ी। ये पग पग पर ये बात भी कही गई है कि यदि कोई जीव सम्यक के बिना करोड़ों वर्षों तक भी उग्र तप करे, शरीर को कष्ट दे, और उग्र तप, तप करना आसान नहीं होता है, बहुत कष्ट सह करके व्यक्ति काय क्लेश को सह करके तप करता है, लेकिन अगर वो सम्यक से रहित है तो वो बोधि लाभ को प्राप्त नहीं कर सकता उग्र तप करने पर। इसलिए जिस प्रकार संयम को हमने सम्यक्त का अविनाभावी कहा था, उसी प्रकार यह तप धर्म भी सम्यक्त का अविनाभावी है। आप देखो ऐसा क्यों कहते हो, तप को अविनाभावी क्यों कहते? जैसे कोई एक गाड़ी है, उसको धक्का लगाना है और आगे बढ़ाना है, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत सारे मिस्त्री मजदूर बुलाए, पसीना बहाया, वो कोई क्रेन थी, कहे इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, इसको कम से कम 2 किलोमीटर आगे खिसका कर। तो सबने रात भर लग करके उसको धक्का लगाया, पसीना बहाया, गाड़ी भी आगे खिसकी, वो क्रेन थी बहुत बड़ी, वो आगे खिसकी। लेकिन सुबह जब इंजीनियर आया तो उसने कहा, तुम्हारा बेकार, रात भर पसीना बहाना बेकार, तो क्यों, हमने तो खिसका ही लगवाई, हमने तो धक्का देके इसको आगे बढ़ाया इस पे, और इतने लोग लगे रहे, इतना पसीना लगा रहा, ऐसे कैसे कह रहे कि बेकार। तो वो इंजीनियर कहता है कि हमने आपको पूरब की दिशा की तरफ, जहां हमारा काम हो रहा था उस दिशा की तरफ आगे बढ़ाने को कहा था, लेकिन आप पश्चिम की दिशा की तरफ इसको आगे बढ़ाए, गाड़ी आगे तो बढ़ रही थी लेकिन गलत दिशा में आगे, तो वो इष्ट की सिद्धि नहीं हुई, तो उसका तप बेकार हो गया। इसी तरह प्रयोजन के बिना, प्रयोजन सहित हो और दृष्टि सम्यक हो, तब जो तप तपा जाता है वो कार्यकारी हो। तप के प्रति बहुत सारी बातें आचार्य कुंद कुंद ने समय सार में भी एक गाथा कही है, परमठम ही दु पाठिदो जो कुणादि तवम बदम चारे दी तम सब्बम बाल तवम बाल वदम बेनती सब्बम। वो भी वही बात कह रहे हैं कि जो परमार्थ में स्थित जीव है वो अपनी आत्मानुभूति से रहित, जो जीव तप करता है और व्रत को धारण करता है, उनके उन सब व्रतों और तप को सर्वज्ञ भगवान ने बाल तप की संज्ञा दी। तप तो हो रहा है लेकिन वो कहते हैं बाल तप है, क्योंकि वो तप सम्यक से रहित है। इसलिए सम्यक दर्शन पूर्वक जो तप या आराधना की जाती है वो ही सच्ची कार्यकारी होती है, और उसी तप की परिभाषा शास्त्रों में कही गई है। हम लोग जो कलवर दानत राय जी की पूजन पढ़ते हैं उसमें जो छंद आता है, तप चाहे सुर राय करम शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदा क्यों न करे निज शक्ति सम। तप चाहे सुर राय, जैसे संयम के लिए कहा था वही स्थिति इस तप के लिए भी, इस स्वर्ग के इंद्र भी तप की कामना करते हैं, वो तप की पूजा करते हैं, जो तपस्वी होते हैं उनकी पूजा करते हैं। तप चाहते, इस दृष्टि से देखें तो स्वर्ग के जो देव हैं वो मनुष्यों से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में तप है, इस मनुष्य भाव में तप है,
तप करने की सामर्थ्य है, पुरुषार्थ की शक्ति है, लेकिन देवगति के जीव चाहे तो भी तप नहीं कर सकते, ना उनकी शरीर की अवस्था ऐसी है, उनकी जो भूमिका है या जो उनकी गति है देवगति, उसमें यह सामर्थ्य ही नहीं है कि वो चाहे तो तप कर सके। कितने कितने वर्षों तक तो उनको भूख ही नहीं लगती, अब जब भूख ही नहीं लगती है तो वो अन्न का त्याग कैसे करेंगे, क्योंकि अन्न जल को ग्रहण करना, जो ग्रहण करता है वही तो त्याग करता है, वही तो उसका तप करेगा। उनको तो वर्षों में कहीं अगर कहीं भूख का अगर रंज मात्र भी ज्यादा उत्पन्न होती है तो अपने आप उनके कंठ से अमृत झर जाता है, फिर उसके बाद वो निश्चिंत हो जाते। तो देव गति के जीव ये जानते हैं कि जब तक हम चाहे कितने ही सुख में रह ले, जब तक हम तपश्चरण नहीं करेंगे तब तक कर्मों का नाश नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सिद्ध बात है। कर्म शिखर को वज्र है, ये कर्म है, इसका एक विशाल वज्र शिखर के समान है ये कर्म, जो हमारी आत्मा में अनादिकाल से चिपके हुए हैं, हमें दुखी कर रहे हैं, हमें कष्ट दे रहे हैं, हमें संसार में भटका के रखते हैं। और अगर इन कर्मों का नाश करना है तो हमको तप के प्रति अपने श्रद्धा को दृढ़ करना पड़ेगा और तपस्या करनी पड़ेगी। द्वादश विधि सुखदाय क्यों न करे निज शक्ति सम, ये 12 प्रकार का तप कहना है, शास्त्रों में आता है कि तप कितने प्रकार के, 12 प्रकार, 6 अंतरंग तप कहलाते हैं और 6 बहिरंग। तो द्वादश विधि ये सुख को देने वाले 12 प्रकार के तप हैं। अब वो बता करके हमसे ये बात कह रहे शास्त्रों से, क्यों ना करे निज शक्ति सम, आप अपनी शक्ति के अनुसार इस तप को क्यों धारण नहीं करते। जैन परंपरा में एक बात हमेशा से बहुत जोर देकर कही जाती है कि निज शक्ति अनुसार, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार तप को करना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि शक्ति को छिपाए बिना तप करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि शक्ति है लेकिन हम प्रमाद से या बहाने से उस शक्ति को छिपा रहे हैं, तप नहीं कर रहे। लेकिन अगर शक्ति है और जितनी शक्ति उतनी शक्ति के अनुसार तप करना चाहिए, क्योंकि ये जो मनुष्य भव है ये हमको भव का अभाव करने के लिए मिला है, किसी संप्रदाय या पंथ का पोषण करने के लिए नहीं मिला। और छोटी छोटी चीजों में हम अपने मनुष्य भव को व्यर्थ नहीं गंवा सकते। तपस्या के महत्व को इस दृष्टि से भी समझा जा सकता है, आज तक जगत में जितने भी जैसे स्वर्ण धातु है, वो स्वर्ण धातु कैसे शुद्ध बनती है, उसकी शुद्धता का मापदंड क्या है, उसकी शुद्धता का मापदंड ये है कि जैसे 24 कैरेट का सोना है तो कहते हैं कि इसमें कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, इस सोने में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, तब ये शुद्ध बनता है। और उसमें से यदि उसके अंदर कुछ मिलावट है तो उसको दूर करने का उपाय क्या है, अगर उस सोने को अग्नि में तपाया जाता है और जब तपाते हैं उसकी अशुद्धि दूर हो जाती है और अंत में वो विशुद्ध सोना हमारे सामने तपने के बाद, जैसे उस धातु को तपा करके शुद्ध किया जाता है, उसी तरह आत्मा को भी यदि शुद्ध करना है तो उसके लिए तपश्चरण एक अनिवार्य शर्त है। जब तक तपश्चरण नहीं करेंगे तब तक वो आत्मा भी वैसी शुद्ध नहीं होगी जैसे सोने को तपाए बिना वो शुद्ध हो जाए। वर्तमान में लोग इसको अन्य अन्य अर्थों में भी लेते हैं क्योंकि सुविधावाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इसको इस दृष्टि से भी देखा जाता है कि इसकी क्या आवश्यकता है, इतना तप करने की आवश्यकता क्या है। और लोग ऐसे भी कहते हैं कि शरीर को क्यों कष्ट दे रहे हो,
आपका शरीर है, आप इसको क्यों कष्ट दे रहे हो? और उल्टा जैसे अहिंसा की बात करते हैं ना कि किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, बोले आप अपने शरीर को कष्ट देकर अपनी हिंसा क्यों कर रहे? ऐसे ऐसे कुतर्क दे करके इस तप के महत्व को कम करने की कोशिश की जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है या हम तप नहीं कर पा रहे, इसलिए तो हम कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए अच्छा है कि उसका निषेध करना शुरू कर। तो ये जो शाश्वत मार्ग है, भले ही हम उस तप को धारण नहीं कर पा रहे, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना तो करें। तो क्यों ना करें निज शक्ति सम, अपनी शक्ति के अनुसार आप तप क्यों नहीं करना चाहते? और छोटी छोटी चीजों से तप की शुरुआत होती है, लेकिन हम लोग कितने ज्यादा सुविधावादी हो गए हैं कि हम, हमारा पंखा भी यदि लाइट चली जाए और थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए तो आकुलता व्याकुलता होने लगे, क्योंकि हमने सहनशीलता को खत्म कर दिया। आत्मा की रक्षा करनी है इन कर्म रूपी शत्रुओं से, तो तप करना है, और जो उपस्थित शत्रु है उनका नाश करना है तो तप करना है। जब राष्ट्र की रक्षा का प्रश्न आता है तो सैनिक तब करते हैं, तब जाकर के राष्ट्र की रक्षा होती है। हमारी आपकी तरह जिस तरह सुख में हम बैठे हैं, इस तरह यदि वो भी सुख में बैठने लग जाए और उनकी ट्रेनिंग ना हो तो क्या राष्ट्र की रक्षा हो सकती है? कितनी भीषण गर्मी में भी वो बॉर्डर पर खड़े रहते, कितनी भीषण ठंड हो तो भी वो बॉर्डर पर खड़े रहते, क्यों? क्यों अचानक जाके नहीं खड़े हो जाते? इसके पहले उनकी ट्रेनिंग होती है, अभ्यास होता है। अगर उसने तपश्चरण किया है, उसके शरीर को इतना मजबूत बनाया जाता है ताकि वो सर्दी गर्मी ठंड इन सब कष्टों का उसके शरीर पर असर ना पड़े, और ये बॉर्डर पर खड़ा होकर हमारे राष्ट्र की रक्षा, दुश्मनों से निपटे, शत्रु का नाश करे, इस दृष्टि से उसके शरीर को मजबूत बनाया जाता है। आपका शरीर, हमारा शरीर भी तो वैसा ही है जैसा उसका है, लेकिन उसने उसके लिए प्रशिक्षण लिया है, उसने प्रशिक्षण सुख में नहीं लिया है, जानबूझकर शरीर को कष्ट देकर लिया है। तो इस यहां पर तो ये बात हमको जचती है कि वो शरीर को कष्ट दे रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं, क्योंकि तो शरीर उससे मजबूत बने। लेकिन जब आत्मकल्याण की बात आती है और तो कर्मों के नाश का प्रश्न आता है और आत्मरक्षा की बात आती है, तब हम जब शरीर को कष्ट देने की बात करते हैं तो बड़े तरह के प्रश्न उठने लगते हैं। क्यों शरीर को कष्ट देना? भूखे रहने से क्या फायदा? क्यों उपवास करते हैं? क्यों अन्न छोड़ते हैं? जैन परंपरा में एक बहुत सुंदर चर्चा आती है संलेखना की, संथारक, वो भी तपश्चरण है, वो भी जैन योग का एक अद्भुत प्रयोग है। वो व्यक्ति कहते हैं उपसर्गे दुर्भिक्षे जगसि रुचायां च, जब वह वृद्धावस्था, अत्यंत वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया है, ऐसे रोग से ग्रसित हो गया है जिसका प्रतिकार करना संभव नहीं, या कोई ऐसा दुर्भिक्ष या ऐसा उपसर्ग, ऐसी विपत्ति आ गई है जिसका कोई तोड़ नहीं है, कुछ नहीं किया जा सकता और मृत्यु अवश्यंभावी है ऐसा लग रहा, तो ऐसे समय में तपश्चरण करता है, वो सब चीजों का, आहार वगैरह का त्याग कर देता है और अपने स्वरूप में मग्न हो जाता है, साधना करता है, समाधि को धारण करता है। अब आप उससे कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हो? तो सब लोग समाधि को धारण नहीं कर पाते, सब लोग इस तरह का तपश्चरण नहीं कर पाते, ना उसमें सफल हो पाते। उसमें सफल कौन होता है? जिसने जीवन भर तपश्चरण की आराधना की है, उसका अभ्यास किया है, वो अंत समय में भी तपस्या करके सफल है। और जिसने जीवन भर तपस्या नहीं की, कभी उसके बारे में सुना नहीं, कभी उसकी भावना नहीं भाई, उसकी प्रैक्टिस नहीं की, एक समय का भी आहार छोड़ने की हिम्मत जिसने नहीं दिखलाई, एक दिन का उपवास एक आसन करने की जिसकी हिम्मत नहीं, कभी प्रैक्टिस नहीं की, आप क्या अपेक्षा करते हैं कि वो अंत समय में उसकी संलेखना सफल हो जाए? ये वैसे ही है जैसे कहीं
रेस हो रही है, उसमें घोड़े लगे हुए, घोड़े घोड़ों की रेस, और उस घोड़े पे आदमी बैठ करके दौड़ते हैं कौन जीते, तो उसमें कौन सफल होता है उस रेस में, जिसने पहले घोड़े को दौड़ाया है, जो पहले घोड़े पर चढ़ करके प्रैक्टिस कर चुका है वो रेस में जाता है तो वो सफल होता है। और कोई अनाड़ी व्यक्ति पहली दफा अगर घोड़े पर बैठे, चाहे कितने ही अच्छा घोड़ा है, तो सीधे रेस के समय घोड़े पर बैठेगा तो क्या होगा, जब रेस फाइनल रेस होने वाली है, यहाँ पर आकर के घोड़ी में बैठने की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 99% चांस है कि घोड़ा उस व्यक्ति को पटक देगा या भड़क जाएगा, क्योंकि उसने कभी उसके साथ अभ्यास नहीं किया। तो जो अंत समय अच्छा हो, इसके लिए पूरा जीवन अच्छा रखने की आवश्यकता है, और तपश्चरण के माध्यम से उसका अभ्यास किया जाता है। तो इसलिए कहा द्वादश विधि सुखदायक, क्यों न करे निज शक्ति सम। अब ये द्वादश विधि का क्या तात्पर्य, 12 प्रकार के तप जो कहे, जैसे 6 प्रकार के अंतरंग तप कहे, प्रायश्चित तप, अपने अपने अपराधों की क्षमा याचना करना, प्रायश्चित करना, ये अंतरंग तप, विनय तप, गुरु की विनय, ज्ञान दर्शन चारित्र और उपचार, इस तरह 4 प्रकार की विनय करना, वैया सेवा करना, अंतरंग तप में गिना है, इन सबके प्रति अंदर से सेवा का भाव भी होना, स्वाध्याय, स्वाध्याय को तो परम तप कहा गया और ये भी अंतरंग तप के अंतर्गत गिना है, वाचना प्रेक्षणा अनुप्रेक्षा आमनाय धर्मोपदेश, इन प्रकारों से स्वाध्याय होता है। अब आप बताओ, आज हमने 10 दिन का उपवास किया तो उसको तो सब लोग तपस्वी बोलते हैं, लेकिन किसी ने 10 दिन तक स्वाध्याय किया आगम ग्रंथों का, जैसे 10 दिन तत्वार सूत्र पढ़ने की परंपरा है तो तत्वार सूत्र का स्वाध्याय किया, अधिक से अधिक घंटे उसने स्वाध्याय में लगाए, पूजन में लगाए, तो कुछ व्यक्ति और ध्यान किया, सामायिक किया, लेकिन उसने भोजन किया, एक समय भोजन किया, उसको कोई तपस्वी नहीं करे, क्यों, क्योंकि आपने भोजन किया। तो हमारी ये एक अवधारणा विकसित हो चुकी है कि मात्र भोजन का त्याग ही तपस्या, तप माने भोजन छोड़, ये हमारे दिमाग में बन गया, लेकिन भोजन का त्याग ये उस तप का एक अंश है, वो भी अनिवार्य, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें हैं जो तप के अंतर्गत आती हैं और उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है, क्योंकि हम सुनी सुनाई अवधारणाओं पर ही विश्वास करके चलते हैं। इसी तरह स्वाध्याय तप है, उत्सर्ग तप है, जो मुनिराज जब अहंकार ममकार का त्याग करके कार्य करते हैं, बाह्याभ्यंतर परिग्रह का त्याग कर लेते हैं, वो उत्सर्ग तप कहलाता है। और ध्यान, ध्यान को भी परम तप का अंतरंग तप है, तो चित्त के विक्षेप का त्याग करना ये ध्यान है। तो जब जीव अपनी आत्मा में शुद्ध रूप ध्यान करता है तो उसको ध्यान की सिद्धि मिलती है। ये तो हो गए अंतरंग तप। अंतरंग इनको इसलिए कहा जा रहा है कि ये अंदर ही घटित होते हैं, जरूरी नहीं है कि ये तप बाहर से दिखाई दे, इनकी कुछ क्रियाएं तो बाहर से दिख सकती है लेकिन जरूरी नहीं। जैसे मैं ऐसे बैठा हूं, मैं ग्रंथ नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरे मन में तत्व चिंतन चल रहा है, तत्व का विचार चल रहा है, तो मेरा स्वाध्याय चल रहा है, मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, उस विषय में विचार कर रहा हूँ, उसको सोच रहा हूँ, उसके समस्याओं को सुलझा रहा हूँ, तो मेरा स्वाध्याय चल रहा है, लेकिन आपको बाहर से नहीं दिखेगा कि मैं स्वाध्याय, जब तक मैं ग्रंथ खोल के नहीं पढ़ूंगा तब तक नहीं दिखेगा। इसलिए स्वाध्याय वगैरह सब अंतरंग तप के अंतर्गत गिने गए, जो बाहर से देखने में आए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन जो बहिरंग तप है वो बाहर से भी देखने में आए, क्योंकि क्रियाएं बाहर भी घटित होती है। जैसे अनशन, अनशन नाम का तप है, अनशन तप में क्या होता है, अनशन तप में व्यक्ति भोजन ग्रहण नहीं करता, अनशन कर लिया मुझे भोजन नहीं ग्रहण करना, दोनों समय भोजन नहीं करेगा, तो ये अनशन नाम का तप।
फिर दूसरा है अवमोदरे। एक एक तप का एक तरीका ये भी है कि दोनों समय भोजन छोड़ना यदि संभव नहीं है तो एक समय का भोजन का त्याग कर देते, एक समय भोजन करते, लेकिन वो भी अवमोदर्य, औदर्य मतलब पेट, यानी भूख से कम खाना। मान लीजिए एक समय भोजन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम एक समय भोजन में भी हम दोनों समय का भोजन कर ले, इतना ऐसा नहीं, वृद्धता हो जाए तो वो उस समय भी मान लीजिए उसको 10 रोटी की भूख है, 5 रोटी की भूख है, तो वो 2-4 रोटी कम खाए, अवमोद। इसमें इच्छा का निरोध दिख रहा है। फिर वृत्ति परिसंख्यान, तो मुनिराज विशेषकर जब आहार ग्रहण करने जाते हैं तो किसी एक चौके में नहीं जाते, या हमेशा उसी चौके में जाके आ जाते, वो एक प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि अगर ऐसा दिखा तो मैं ग्रहण करूंगा, नहीं दिखा तो नहीं ग्रहण, कुछ भी हो सकती है प्रतिज्ञा। तो वो एक चिन्ह देखते हैं कि अगर ऐसा हुआ, जैसे उन्होंने कहा कि दो पुरुष कलश लेकर खड़े होंगे और आहार के लिए कह रहे होंगे तो करेंगे, नहीं खड़े होंगे तो नहीं। तो जो श्रावक वर्ग है वो भी अटपटी, माने वो इन प्रतिज्ञाओं को कल्पना करके वो अलग अलग तरीके से खड़े हो गए। अगर वो चीज उनको मिल जाती है तो वो ग्रहण करते, नहीं तो नहीं करते। यानी आज आहार नहीं भी हो पाएगा, गए थे आहार के लिए, नहीं हुआ तो इच्छा का निरोध हो गया ना, आहार की इच्छा हुई, आहार के लिए गए लेकिन विधि नहीं मिली तो आहार का त्याग कर दे, इच्छा का निरोध कर दे, ये और भी बड़ा तप। फिर रस परित्याग, क्रमशः विभिन्न रसों का त्याग, ऐसा नहीं जैसे आज के दिन में मीठा नहीं खाऊंगा, आज के दिन में नमक नहीं खाऊंगा, एक एक दिन एक एक रस का त्याग करना, आज मेरा इस रस का त्याग। आयुर्वेद की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना गया, जैसे एक दिन मैं गोरस का त्याग करता हूँ, मैं घी नहीं खाऊंगा, दूध नहीं पीऊंगा, ऐसा एक दिन का त्याग करता हूँ, तो ये त्याग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और विविक्त शय्यासन, विविक्त शय्यासन का अर्थ होता है ऐसे निर्जन स्थान पर निवास करना या सोना जो जीव जंतु से रहित हो, विविक्त हो, और वहां पर बिना किसी बिस्तर के, बिछोने के, जैसे पाटे पर या पत्थर पर ही शयन कर लेना। तो जब ऐसा करेंगे तो शरीर सुख का अनुभव तो करेगा नहीं, कष्ट होगा, लेकिन वहां पर शयन कर, जान बूझ कर अपने शरीर को इसलिए कष्ट दिया जाता है ताकि वो सहनशील बने, ये तपस्या कहलाता है। हमको आपको लगता है बहुत तप हो रहा है, लेकिन उनके लिए वो तप अभ्यास के माध्यम से इतना पुष्ट हो चुका है कि उनको उतना कष्ट नहीं होता जितना देख आपको देख के कष्ट होता है, क्योंकि उन्होंने तो अभ्यास कर लिया है, आपका अभ्यास नहीं, इसलिए आपको लगता है महान तप हो रहा है, लेकिन वो तप उनके लिए एक आम जीवन की चर्या है, क्योंकि उन्होंने उसका अभ्यास कर लिया। और जो अभ्यास कर लेता है उसके लिए वो कष्ट भी सहज हो जाता है कि हमको तो इन कष्टों में रहने की आदत। इसी तरह काय क्लेश, विभिन्न प्रकार की आसन लगाना, विभिन्न प्रकार से शरीर को जो कष्ट हो जाता है, ये मान लीजिए कोई पद्मासन में बैठा है, पद्मासन पूरी तरह से लग नहीं पा रहा है लेकिन बहुत देर तक बैठा तो दर्द होने लगता है, लेकिन उसको भी कष्ट हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग योग मुद्राएं धारण करके भी तपस्या की जाती है, वो काय क्लेश के अंतर्गत आती है। और शरीर में सर्दी गर्मी ये सब कष्ट हो रहा है तो भी उसको, उसके क्लेश को सहन कर रहे, ये क्लेश कर। इस प्रकार द्वादश विधि सुखदाय, कष्टदाय नहीं कह रहे, उसको कह रहे सुखदाय, क्योंकि जब हमारा शरीर मजबूत हो गया और हमने कष्ट को सहन कर लिया, इसका मतलब हमारी शरीर के प्रति आसक्ति कम हो गई है, और जब शरीर के प्रति हमारी आसक्ति कम हो गई है तो निश्चित रूप से हम आत्माराधना में ज्यादा समय लगाएंगे, और आत्माराधना में समय लगाएंगे या आत्मा का अनुभव करेंगे तो कर्म शिखर को वज्र है ऐसा वो कर्म भी नष्ट हो जाए, और तप के माध्यम से ही ऐसा संभव है। उत्तम तप सब माही बताना,
कर्म शैल को वज्र समान, उत्तम तप है ना, वो सब जगह इसकी महिमा का गान किया गया है। हर शास्त्र में सब माही बताना, हर जगह इसका व्याख्यान मिलता है, क्योंकि कर्म शैल को वज्र समान, इसके बिना कर्मों का नाश होता नहीं है। इतना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, लेकिन हमारी क्या आदत हो गई है, हम लोग भगवान भरोसे रहने की आदत। आज भी हम चाहते हैं कि मोक्ष तो चाहिए, लेकिन हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, कोई हमको ऐसे उठा करके मोक्ष में रख दे, परम सुख में रख दे, ऐसा चाहते। एक बार एक पिताजी थे, अपने बेटे के साथ जंगल में जा रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो बीच में जंगल पड़ते थे, पहले जा रहे थे, दिखने में ज्यादा आ नहीं रहा था। तो अचानक क्या हुआ कि उनका जो लड़का है वो एक सूखे कुएं में गिर गया। उस कुएं के आसपास कुछ बना नहीं था, कुआ था, समझ में नहीं आया, वो कुएं में गिर गया। सूखा कुआ था तो वो डूबा नहीं, नीचे खड़ा हो गया, लेकिन ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं। तो वो लड़का रोने लगा, चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ पापा, मुझे बचाओ पापा, मुझे बचाओ, ऐसे चिल्लाने लगा। पिताजी भी परेशान, देखा अरे ये क्या हो गया। तो उन्होंने कहा रुको रुको, मैं करता हूँ कोशिश, तुम पहले कोशिश करो, चढ़ो ऊपर, चढ़ो इधर उधर पत्थर पे पैर रखो, ऊपर चढ़ो। तो वो लड़का इतना आलसी था, नहीं पापा मैं नहीं करता, कोशिश भी नहीं करता किसी पत्थर को, तब तुम देखो थोड़े थोड़े पत्थर निकले हैं, अगर पैर रख के आ सको बच जाओगे तुम्हारे, नहीं पापा मैं नहीं आ सकता। तो पिताजी ने कहा ये तो बड़ा आलसी है और जरा सा भी पुरुषार्थ करना नहीं चाहता है कि इस कुएं से बाहर निकल आए। तो उनके पिताजी ने कहीं इधर उधर खोज खाच के कोई रस्सी तैयार की, उसमें दो तीन गांठे बांधे और ऐसे ऐसे डाल के कुएं में डाल दिया, ऐसा करो इस रस्सी को पकड़ो और चढ़ करके ऊपर आ जाओ, मैं कोशिश करूंगा तुमको ऊपर पार लगा। वो इतना आलसी था, वो पापा मैं नहीं चढ़ सकता, रस्सी भी नहीं पकड़ सकता। क्यों, अगर अपनी जान बचानी है तो तुम ऊपर तो आना पड़ेगा, मैं करूंगा कोशिश ऊपर से, थोड़ा खींचूंगा भी, तुम कम से कम चढ़ो तो सही, मैं नहीं चढ़ सकता। पिताजी क्या करेंगे, पिताजी ने कहा बताओ क्या करें तुम्हें बचाने के लिए। तो वो लड़का क्या बोलता है पता है, तो पापा आप ही नीचे आओ और मुझे उठा करके ऊपर। पिताजी ने कहा पागल, अगर मैं नीचे आ गया तो हम दोनों को ऊपर कौन उठाएगा, तो जंगल है यहाँ कोई है नहीं, तो मैं इतना कर सकता हूँ कि तेरी सहायता कर सकता ऊपर, रस्सी भेज दी बचा लिया, लेकिन तब भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात। यही हालत हमारे साथ, हमको भगवान ने रस्सी दे दी, इस भव कूप से निकलने का रास्ता बता दिया, वो भी ऐसे बाहर आए निकल, आप भी निकल जाओ, सब कर दिया, लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते, कष्ट ही नहीं देना चाहते, बिना किसी कष्ट के। हम स्वाध्याय भी करना चाहते हैं तो बढ़िया एसी लगा के स्वाध्याय करते हैं, जरा सा पसीना ना निकल जाए हमारा, कष्ट नहीं होना चाहिए। कुछ भी तप नाम की चीज ही खत्म करना चाहते हैं, गर्मी है ना बहुत ज्यादा गर्मी, तो गर्मी को क्या बोलते हैं, तप बोलते हैं, तप रहा है, तप रहा है। हमें तो ये जो सहज सुलभ तप है वो भी पसंद नहीं है, उसको भी टॉलरेट करना नहीं चाहते हैं, जरा सी गर्मी होती है तो हाय तौबा मचा देते हैं। तो बताओ जो इतना कष्ट नहीं सहन करना चाहते, तो हमारे तो तीर्थंकर परमात्मा वन में रहकर पर्वतों पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ करके जा करके वहां धूप गर्मी सहन करके नग्न दिगंबर होकर के तपस्या करते थे, तब जा करके मोक्ष की प्राप्ति। हम ये चाहते हैं हम ऐसे ही कुर्सी पे बैठे रहे, एसी में बैठे रहे, सब सुविधा बनी रहे और हमको मुक्त हो जाए, तो ये संभव नहीं है। तो वो लड़का बार बार पापा आप नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, आप क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते, क्या आप मुझे बचाना नहीं चाहते। पिताजी पे आरोप लगा,
बेटा सब चाहते हैं तुझे प्यार करता हूँ, इसीलिए तो बैठा हूँ यहाँ और तुझे कह रहा हूँ, उपाय बता रहा हूँ। लेकिन जो तुम चाहते हो ना कि मैं नीचे आ जाऊं और तुम्हें ऊपर उठा लूं, तो ये संभव नहीं है। हम लोग भी यही कह रहे हैं, भगवान की पूजा करते हैं, हे भगवान मुझे पार लगा दो, मतलब भगवान आप आओ तो मुझे उठाओ और मुझे पार लगा दो, मेरा कल्याण, मैं तो बस आ गया आपके यहाँ अर्घ चढ़ाने के लिए, आप ही मुझे उठाओ। तो भगवान भी क्या कहेंगे, भैया हम तुम्हारे पास ऐसे तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि हम ही बहुत मुश्किल से पार लगे, और तुम चाहते हो कि हम किसी तरह नहीं, हम फिर से तुम्हारे पास आ जाए, हम भी संसार में फंसे, ऐसा नहीं होगा। हमें करुणा भाव है, तो हमने करुणा भाव से ज्यादा आपको उपाय बता दिया कि हम कैसे ऊपर आए, तो वही उपाय आपको हमने समझा दिया है, आपको समझ में आ जाए सो ठीक, नहीं समझ में आ जाए। तो उस लड़के से भी रात होने को आई, उस लड़के से उसके पिताजी ने कहा कि देखो बेटा ये मैंने रस्सी डाली, हमें रस्सी पकड़ के ऊपर बैठा, रात हो गई है मैं सो भी रहा हूँ आराम, दिन भर तुमने हैरान कर, तुमको जिस दिन अकल जिस समय अकल आ जाए ऐसे ऐसे हिला देना तो मैं खड़ा हो जाऊंगा और फिर चढ़ के ऊपर आ जाना। लेकिन वो अकल उसको आ नहीं रही थी कैसे चढ़े, तो पिताजी क्या करे। इसी तरह हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने भी इस भव रूपी कूप में हमको वो रस्सी लटका रखी, मोक्ष मार्ग की रस्सी बता, और मोक्ष मार्ग की रस्सी में जैसे पिताजी ने तीन गांठें बांधी थी ना, वैसी तीन गांठें उन्होंने भी बांधी थी, कौन कौन सी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चर्य, और ऐसे लटका दिए इस भव कूप में। और हम सभी दुखी जीवों को उन्होंने कहा कि भैया तुम अगर इसका अनुसरण करोगे, इस पर चलोगे, तो तुम भी पार हो सकते हो, तुम्हारा भी कल्याण हो सकता है, और तुम चाहो तो अपना कल्याण, लेकिन इसके लिए चढ़ने का कष्ट करना पड़ेगा, थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और हम वो पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। इसीलिए हम लोग भजनों में भी गाते हैं, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, क्यों है, हम वर्धमान मुक्त हो गए, लेकिन हम चाहते हैं तुम फिर से आओ, और भगवान तुम्हें एक बार इस धरती पर आना होगा और सोई हुई जनता को जगाना होगा, ऐसे कह कह के हम भगवान को ही नीचे बुलाना चाहते हैं, हम खुद ऊपर नहीं उठना चाहते। तो ये कथम अपनी संभव नहीं है मोक्ष मार्ग में जब तक तप का अनुसरण ना किया। और बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, बस यो अनादि निकोद मझारा, खूबे क्लत रहे पशुतन धारा, ये आपको महिमा बताई जाती है, कहाँ अनादिकाल से निगोद में बस रहे थे, किसी तरह भाग्य से निकल करके आए, फिर भू विकलत्र में जन्म हुआ, पशु तन धारण कर लिया, पशु योनि में चले गए, और धारा मनुज तन महादुर्लभ, ये जो मनुष्य जन्म मिला है ना, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, वो तो बहुत दुर्लभ है, किसी तरह भटकते भटकते हमें ये मनुष्य जन्म मिल गया है, और इसको भी हम अय्याशी में उड़ा रहे, इसको भी हम कैसे खराब कर रहे हैं, व्यसनों में फंस करके रात दिन खाने पीने में ही हम पूरा टाइम लगाते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, उसी को जीवन मान रखा है, ऐसे इन चीजों में ही, और त्याग तपस्या को तो ऐसे समझते हैं तो पुरानी बातें हैं, और ये ऋषि मुनियों की बातें हैं, इनको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसा सोच सोच करके उसकी उपेक्षा कर, वो ये कह रहे हैं धारा मनुचतन महादुर्लभ, और मनुष्य जन्म मिल जाने के बाद अच्छा कुल मिलना, अच्छा परिवार मिलना बड़ा मुश्किल होता है, आयु मिलना, जन्म होते ही मर जाते, कुछ सीख ही नहीं पाते, कई लोग जन्म हुआ कुछ समय बाद मर गए, और निरोगता, हमारी आंख सुरक्षित है, हम देख सकते हैं, हमारा कान ठीक है, नाक ठीक है, हाथ पांव ठीक है, हम पढ़ लिख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पैर अच्छे हैं, शरीर अच्छा, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, जब भगवान के दर्शन कर सकते हैं, ज्ञान बुद्धि है, हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ये निरोगी शरीर मिल गया है, ये भी बहुत बड़ा दुर्लभ हमारे लिए, तो मान लो किसी की आंख ही नहीं है तो बेचारा देख ही नहीं सकता, किसी को बुद्धि नहीं, सब कुछ ठीक है तो बुद्धि नहीं, एक अक्षर पढ़े और समझ में नहीं आए, उसका भी मनुष्य बहुत बेकार है, क्योंकि विवेक की जागृत नहीं हो पाएगा, उस स्वाध्याय नहीं कर सकते। तो जब इतनी चीजें हमको प्राप्त हो गई है, तो श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी
भाई विषय योग था, हमको जिनेंद्र भगवान की वाणी मिली है और तत्व ज्ञान मिला है और अपने स्वरूप में रहने की एक योग्यता प्राप्त हुई। अगर इसका हम उपयोग कर सके तो अति महा दुर्लभ त्याग विषय कषाय, इस दुर्लभ चीज को प्राप्त करके जो विषयों को, विषय भोगों को और कषाय को त्याग करके जो इस तप का आदर करता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आदर, आदर के दो अर्थ होते हैं, एक तो उसको पालना, ये आदर है, और दूसरा यदि कोई तपश्चरण कर रहा है तो उसका सम्मान करना, तपस्वी जीव का सम्मान करना, ये भी आप जब उसका सम्मान करेंगे तपस्या का, तब वो तपस्या कभी हमारे जीवन में प्रकट हो सकती है। आजकल ये बहुत चलता है, जैसे हम तप नहीं कर पा रहे हैं तो तप की मजाक उड़ानी, तप की उपेक्षा करो, तप को जो है ऐसा बता दो कि तपस्या करना ही बेकार होता है, तो ये हम कर नहीं पा रहे हैं और उसकी उपेक्षा कर रहे हैं तो वो जीवन में कभी हमारे अंदर आएगा। तो कम से कम तपस्या के प्रति बहुमान तो मन में रखें कि तप बहुत जरूरी चीज है, करना पड़ेगा, इसके बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता। हम मान लो नहीं कर पा रहे तो हमारी कमजोरी है, इसको विशेषता ना माने, हम तप नहीं कर रहे तो ये कोई वैशिष्ट्य नहीं, ये हमारी शरीर की मन की कमजोरी है कि हम उस तप को नहीं कर, या फिर हमारे आत्मबल इतना नहीं है कि हम उस तप को। नर भव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कल साधन, ये नर भव है, मनुष्य जन्म मिला है, अनुपम इस मनुष्य भव रूपी घर पे कनक मणि तपस्या रूपी स्वर्ण कलश आप इस मनुष्य भव के ऊपर रख सकते हैं। जैसे मंदिर के ऊपर कलश रख देते हैं तो मंदिर कितना सुंदर हो जाता है, तो हमारा ये जो शरीर है या मन है या हमारा आत्मा है, ये जो घर है, हमारा मंदिर है, इसके ऊपर अगर तपस्या रूपी हम कलश रख दें, मणिमय कलश, तो ये कितना कल्याणकारी हो जाएगा। मणिमयी कलशाधर, ऐसा रख करके आप अपनी तपस्या को अपने जीवन में उपस्थित करें, तपस्या के प्रति, तप के प्रति, तप के स्वरूप के प्रति अपनी अवधारणा स्पष्ट करें और उसका बहुमान करें। तप करें तो सबसे बढ़िया है, ना कर सकें तो उसकी अपनी अशक्ति को पहचानने की मैं क्यों नहीं कर, और यदि कोई दूसरा जीव तपस्या कर रहा है तो अपनी तरफ से जितना हो सके उसकी वैरावृत्ति करें, उसकी अनुकूलता, ताकि उसकी तपस्या चलती रहे, उसकी सेवा करें, इससे भी हमें तप का फल मिलता है। हमने तपस्वी की सेवा की, इसका भी फल हमको मिलता है, और वो उस फल के रूप में हम भी कभी तपस्वी बन सकेंगे, हम भी कभी तप कर सकेंगे, ऐसी अनुकूलता हमको भविष्य में अवश्य प्राप्त होगी, और हम इस तरह से उत्तम तप के स्वरूप को समझकर उसका पालन करके एक ना एक दिन इस भाव से पार हो जाए। इसी भावना के साथ आज की इस चर्चा को, इस स्वाध्याय को ये विराम देते हैं। रमोजन, thank you so much sir, that was a very very nice and very intriguing session that you took। आज आपने तप की जो असीम महत्ता है उसको बताया और हमें आत्मसात करने का मौका दिया। मनुष्य जीवन में तप करने की जो तप के द्वारा जो है हम सारी इच्छाओं का विरोध कर सकते हैं, हम इस तप के फलस्वरूप ऐसी इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पे इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं हो सके। सो ऐसे स्थिति जहाँ पे इच्छाएं उत्पन्न ना हो, हमने ये समझा कि वही सच्चा तप है और वो उत्तम तप है जिसके द्वारा हम कर्मों की निर्जला कर सकते हैं और ऑफ कोर्स उसी से हम मोक्ष के प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर टेकिंग आवर सेशन, और आपकी आज्ञा से मैं अब यहाँ इस सेशन को विराम दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सभी सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र, नमो जिनाना।